हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीप क्रिएशन। आज हमने ये दो कलर से स्लीव का डिज़ाइन बनाया है। इसे आप नेक पर भी बना सकते हैं, फ्रॉक में, प्लाजो में, किसी पर भी बना सकते हैं। आप इसे बहुत इजीली बना लेंगे। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने स्लीव की कटिंग कर ली है, अभी इसे हम एक तरफ रख देंगे। पहले हमें स्ट्रिप तैयार करनी है। स्ट्रिप के लिए मैंने ये कटिंग कर ली है। मैंने ग्रीन और रेड दो कलर लिए हैं। पहले हम ग्रीन का नाप देख लेते हैं। ये 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, आप 1.25 इंच तक ले सकते हैं। और रेड कलर का मैंने 1.25 इंच लिया है। मैंने दोनों पट्टी को लंबा सा कट कर लिया है, लगभग ये 2.5 मीटर के करीब है। इसमें मैंने जोड़ भी लगाया है ताकि दोनों स्लीव पर एक साथ डिज़ाइन बन जाए। ग्रीन पट्टी को हमें उल्टा रखना है और रेड पट्टी को हमें सीधा रखना है, क्योंकि ग्रीन पट्टी रेड के ऊपर आएगी। इसे हमें बिल्कुल सेंटर में रख के दोनों साइड से बिल्कुल बहुत बारीक बारीक सा मोड़ते जाना है और रेड पर अटैच कर देना है। दोनों तरफ से हम इसे कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने पूरी पट्टी पर इस तरह से सिलाई लगा ली है। ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन हमारा बन के तैयार होगा। अभी मैंने ये पीछे से छोड़ दिया, अगर हमें और जोड़ लगाना होगा तो हम इसमें लगा सकते हैं। पीछे की साइड से ये एक कलर का है और ऊपर से ये हमारा रेड और ग्रीन दिखाई दे रहा है। अब इसे हमें इस तरह से तिकोना मोड़ना है और इसे हमें इस तरह से टर्न करते जाना है। इसी तरह से हमें आगे डिज़ाइन बनाते जाना है और साथ साथ हमें इसे प्रेस से दबाते जाना है, जिससे ये खुलेगा नहीं और आसानी से इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम ट्रायंगल्स बनाते जाएंगे और दूसरी तरफ मोड़ते जाएंगे। इसे बनाने के बाद हमें सेंटर में सिलाई लगा लेनी है, जिससे ये पक्का हो जाएगा। ये देखिए गाइस, हमने पूरी पट्टी पर ये ट्रायंगल्स बना लिए हैं। इस एक ही डिज़ाइन से हमें दो तरह के डिज़ाइन मिले हैं। आप देखिए गाइस, पट्टी के एक तरफ हमारा अलग डिज़ाइन है और एक तरफ अलग है। आप इसे दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। स्लीव की बॉटम को कवर करने के लिए मैंने ये रेड पट्टी कट की है। इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच के करीब ली है। इसकी लंबाई हम बॉटम के हिसाब से लेंगे, जिस पर हमें डिज़ाइन लगाना है। यह मुझे स्लीव के बॉटम पर लगाना है। तो पहले हम स्लीव को उल्टा रखेंगे और पट्टी को हमें ऊपर की साइड से सीधा लेना है। पट्टी के एक साइड से मोड़ते हुए स्लीव पे अटैच कर लेंगे और फिर सीधी साइड ला के इधर से भी मोड़ लेंगे, जितना भी हमें बॉटम चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे डिज़ाइन अटैच करेंगे। हम थोड़ा सा गैप रखेंगे जिसमें हमारा बीच में मोती आ जाए, और सेम डिज़ाइन हम ऊपर की साइड पे लगा देंगे ताकि दोनों साइड एक जैसी पट्टी दिखाई दे। चलिए हम इसे अटैच कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने एक साइड का डिज़ाइन अटैच कर लिया है। सेम इसी तरह से हमें उतनी ही चौड़ी पट्टी ऊपर की साइड लगानी है। सिर्फ हमें इस तरह से मोड़ना है और अटैच कर देना है। दोनों का गैप हमें बराबर रखना है, जिसके बीच में मोती आ जाए। ये देखिए, मैंने दूसरी पट्टी भी लगा ली है। अब हम इसके कोनों पर मोती लगाएंगे। ये लगाना बहुत ही आसान है। हमने सुई में धागा डाल लिया है और कॉर्नर पर हमने सुई को निकाला और इसमें हम एक मोती पिरा देना है। मोती को पिरा के हमें ऊपर वाले डिज़ाइन पर अटैच कर देना है। इसे फिर से पक्का करने के लिए वापस मोती में हम सुई को निकालेंगे और नीचे की तरफ कपड़े की तरफ ले जाएंगे और इसे अटैच कर देंगे। बस इसी तरह से हमें सारे डिज़ाइंस को अटैच करना है। एक डिज़ाइन अटैच होने के बाद हमें कपड़े के अंदर से सुई को ले जाना है ताकि उसका धागा दिखाई ना दे, और दूसरे कॉर्नर पर भी हमें इसी तरह मोती अटैच करना है। इसी तरह से हमें सभी कॉर्नर पर मोती अटैच कर देने हैं। चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। सेम इसी तरह से हमने दूसरी स्लीव भी तैयार कर ली है। आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।